आज देखिए कितनी महिलाएं यहां पर, लड़कियां मौजूद हैं। अब पहले क्या बुरा हाल था, अब पढ़ाई का हाल जान न गए। अब यहां तक कि मैट्रिक की परीक्षा में भी जो होती है परीक्षा, अब उसमें लड़का लड़की की संख्या बराबर होने लगी है। अब यह हालत हम लोग पहुंचा दी, तो हर तरह से हो रहा, सब आगे बढ़े। तो हम लोगों का उद्देश्य तो यही है कि आप सब लोगों का भाई पत्रकार मित्रों मेरे खिलाफ जो बोलता है अंडमान बयान, वो छापी कोई दिक्कत नहीं, जिसको अनाप शनाप बोलना है बोलने दीजिए, कोई दिक्कत उनको नहीं, वो सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन बिहार का जो विकास हुआ है, अब बिहार के लिए जो तरह तरह का काम किया गया है, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके पुराने समय से लेकर के अब जितना जितना काम हुआ उसका भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करते रहिएगा। आप भी रहने वाले बिहार के हैं तो जरा सा बिहार का भी ख्याल करिएगा। आप कितना बड़ा बड़ा केंद्र में रहता, बिहार का लोग कितना ज्यादा बड़ा बड़ा पत्रकार, तो हम उनों से भी कहेंगे कि मेरे खिलाफ जितना बोलवाना है बोलवा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहार का विकास हुआ है उसकी चर्चा जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम मत लीजिएगा, बिहार का ही नाम लीजिए और कहिए बिहार का इतना विकास हुआ, तो ये बहुत खुशी की बात होगी। विकास का काम, सब लोग विकसित हैं। अब बिहार को हम लोग तो इतना ज्यादा अपने बल पर विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी संभव है इसको और आगे बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन हमारे प्रेस वाले लोग तो मौजूद हैं, उनका तो हम बराबर नमन करते हैं। हम लोगों का बतवा एक आधे बार में थोड़ा सा छाप देते हैं, लेकिन बतवा तो घर का ना छपता है, जो कुछ करते नहीं है लोग उनका प्रचार होता। तो कम से कम पुराना चिजवा को जितना काम बिहार में हो गया है और जितना डेवलपमेंट हुआ है, पढ़ाई से लेकर के शिक्षा से लेकर के विकास तक का काम जितना हुआ, आप पहले भूल मत जाइए क्या हाल था। पटना में भी रहते थे और चलते थे तो कैसा लगता था पटना, कहीं कोई दुकान दिखता था जी, और शाम होते सब बंद रहता था। आजकल देख रहे हैं तो कितना ज्यादा विकसित हुआ, तो इधर जो विकसित हो रहा है बिहार का, तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि ऊपर वाले का जो प्रचार चलता है चलाइए, लेकिन बिहार में जो काम हुआ है कृपा करके उसको भी चला दीजिए, और नहीं तो ट्वीटे कर दिया करिएगा कि ये सब काम हो गया, तो कम से कम सब लोगों को जानकारी रहेगी।